Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hey, what is up guys, my name is Sujal Gupta, welcome to our channel. तो यार एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक और मेड इन इंडियन गेम जो कि है ईवी स्टूडियो की तरफ से। तो यार चलो देख लेते हैं इस गेम में है क्या, कैसा मैकेनिज्म है और वगैरह वगैरह। तो यार आप फेसबुक से चाहो तो फेसबुक से लॉग इन कर सकते हो या फिर गेस से लॉग इन कर सकते हो, मैंने गेस से लॉग इन किया है। तो इस गेम का नाम है जोस, का फुल फॉर्म है भाई जॉइंट ऑपरेशन सीक्रेट हीरोज़। तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो यार जैसे ही आप इंटर करोगे एकदम सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे है सर्च, क्रिएट सर्वर, क्लैन, शॉप, लॉड आउट, मैप, ये सब है। आपका यहाँ पे नेम दिख रहा होगा, कॉइन्स है, ठीक है। तो आप सर्च में जाके अपने फ्रेंड्स को भी सर्च कर सकते हो या फिर अगर उनका कोई अकाउंट होगा तो। तो यार आप देखो यहाँ पे रीजन भी है, आप चेन्नई में हो या इंडिया में हो या फिर रीजन चेंज कर सकते हो। ओके तो यार अब यहाँ पे हम सर्च में देखेंगे, सर्च में कुछ है नहीं। क्रिएट क्लैन, आप अपना यहाँ पे क्लैन भी बना सकते हो यानी सर्वर बना सकते हो, उसमें दोस्तों को बुला सकते हो। और शॉप में आपको ये कुछ गन खरीदने को मिलेंगे, गन्स भी बहुत ओपी हैं भाई साहब, एकदम झकाझक से गन्स हैं इसमें। और भाई लोड आउट में आओगे तो भाई इसका गन देखो, इसका गन तो इसकी बॉडी से ज़्यादा ही बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है भाई। तो यार यहाँ से आप लॉड आउट चेंज कर सकते हो, जो भी है आपको स्नाइपर लेना है तो आप स्नाइपर ले सकते हो या फिर ईआर गन लेना है तो ईआर गन ले सकते हो, और फिर जब पिस्तौल्स है, मोलोटॉप है या फिर नाइफ है तो वो सब आप ले सकते हो। तो लॉड आउट में भाई ज़्यादा कुछ है नहीं और आप अपना कैरेक्टर कस्टमाइज ये सब नहीं कर सकते हो। तो चलो यार एक बार गेम को इसको सेव कर लेते हैं। तो यार इसमें आप कैरेक्टर कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, ये जो कि थोड़ा सा ख़राब बात लगा, लेकिन चलो यार फिर भी देख लेते हैं इस गेम का ग्राफिक कैसा है, शूटिंग मैकेनिज्म कैसा है, एक साउंड क्वालिटी कैसा है। तो एक बार हम गेम को, इसमें दो मोड हैं, जैसे एक वॉर हाउस है और फिर एक का नाम नहीं पता है, मैं इसे क्वालिटी को हाई से अल्ट्रा पे कर लेता हूँ। तो यार मैं कह रहा था एक वॉर हाउस है और एक ये डेजर्ट वाला इलाका वाला है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है। तो चलो यार इसको सेव कर लेते हैं, अल्ट्रा पे कर लिया मैंने, सेंसिटिविटी ये सब रहने देता हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं है अभी मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। तो यार जैसे ये देखो यहाँ पे भी वॉर हाउस लगा है, तो चलो यार वॉर हाउस को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यार कैसा ग्राफिक कैसा है, पहले देख लेते हैं। वेल भाई इसे देख के ना मुझे IGI की याद आ गई, IGI वाला जो गन था थोड़ा सा उसी टाइप का मुझे लगा। ओके तो यहाँ पे एक बंदा भी जा रहा है, देखो भाई तेरे को मैं तो मारूँगा। तो यार शूटिंग मैकेनिज्म तो ठीक ठाक सा लग रहा है, लेकिन भाई सेंसिटिविटी बहुत ही गंदा है, शायद हमें अपने से खुद से बनाना पड़े सेंसिटिविटी। तो चलो एक किल हो गया, लोवो गया भाई। तो यार देखो आपको कैसा लगा, आप भी डाउनलोड करके ज़रूर से खेलना। तो यार मैं यहाँ पे भाई शूटिंग मैकेनिज्म का बात करूँ तो यार थोड़ा घटिया सा टाइप का है, लेकिन भाई अगर आप सेंसिटिविटी ठीक कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप ग्रेनेड भी फेंक सकते हो, एक मिनट फेंक के देखता हूँ मैं। ओके चलो तो खेल भी मिल गया। तो यार ये मैं अभी खेल रहा हूँ वॉर हाउस टीम डेथ मैच, इसमें तीन टोटल ये मैचेस हैं, डेथ मैच है यार, दूसरा है फ्री फॉर ऑल और तीसरा है फ्लैग लेना, ठीक है। तो ये जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में था ना फ्री फॉर ऑल, वॉर हाउस और फ्लैग वाला मोड, तो यार वही वाला मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया गया है। तो यार आप भी बताना आपको ग्राफिक्स कैसे लगे। मुझे ग्राफिक्स ओके लगा, शूटिंग मैकेनिज्म भी ठीक है, लेकिन भाई सेंसिटिविटी बहुत ही ख़राब है इसका, शायद हमें अपने से चेंज करना पड़े। और भाई साउंड क्वालिटी तो भाई बहुत ही बेकार है, थोड़ा सा इसे भी शायद वो लोग नेक्स्ट टाइम इसे चेंज करें या फिर नेक्स्ट टाइम इसे बनाए, अपडेट दे के फिक्स करें, जो भी है पता नहीं होगा अभी कि नहीं। लेकिन तो यार अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा बेकार इनका शूटिंग मैकेनिज्म, और नहीं शूटिंग मैकेनिज्म ठीक है, साउंड क्वालिटी और सेंसिटिविटी ये सब, बाकी तो यार इसमें मोड भी बहुत औसम से है। ये फ्री फॉर ऑल में आके आपको बंदों को मारना रहेगा या फिर
और इसमें भाई ड्रॉप वाला भी सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यार इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे टच वाला प्रॉब्लम है। जैसे मैं शूटिंग पे दबा रहा हूँ, मतलब शूट वाले बटन पे दबा रहा हूँ, तो ये बहुत ही लेट लग रहा था दबने में। तो यार ये भी कुछ प्रॉब्लम है, शायद ये लोग अपडेट दे के फिक्स करें, या ये सब बग्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो देख लेना भाई, आप भी बताना। लेकिन मेड इन इंडिया गेम है, तो यार ये लोग, इन लोगों ने बहुत ही कम टाइम में इसे बनाया है। तो यार आप भी देख लेना, आप भी डाउनलोड कर लेते हो, यार डाउनलोड करके खेलने में आपको क्या लग रहा है। और भाई ऊपर से आप 2GB रैम में भी शायद इसे खेल सकते हो, क्योंकि 3GB रैम में तो आप खेल सकते हो। देखो यार यहाँ पर ड्रॉप आया, तो इससे आप ड्रॉप मंगा सकते हो, यहाँ से ड्रॉप दाब के ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। यार ये कैसा मैकेनिज्म है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन देखते हैं ड्रॉप में से क्या निकलता है भाई साहब। एक मिनट, तू मेरा ड्रॉप लेगा भाई साहब? ओ भाई तू मेरा ड्रॉप नहीं ले सकता भाई। ड्रॉप में से ये क्या निकला है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है ड्रॉप में। तो यार आप खेलना, आपको बताना ये क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया यार। तो यार बस आप ही देख लो यार ये कैसा गेम है। तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार मेरे चैनल को। और आप भी खेल के बताना कमेंट में भाई आपको ये गेम कैसा लगा। और अगर जिसके पास 2GB रैम है, तो यार आप भी बताना ये आपके मोबाइल में चल रहा है कि नहीं। तो चलो गाइज़ मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।